बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अमीन्स किचन। आज हम आपको बहुत ही अच्छी और पाकिस्तान की बहुत फेमस और हर एक की बहुत फेमस डिश बिरयानी बताएंगे। और सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि आपको कोई महंगे या एक्सपेंसिव बिरयानी मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में मसाला बना के आपको बताएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा तुर्श किस्म के टाटरी मसाला, टाटरी पाउडर या इस तरह की भी हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे, तो ये आपके गले को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत मज़े की बनती है। हम आज चिकन बिरयानी बनाएंगे और सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो हम बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए आपने जो ग्राइंडर की छोटी मसाला वाली वो जो छोटा उसका कोई भी कप होता है उसमें आप मसाला बनाएंगे इसका। उसके लिए आप डालें 3 से 4 करी पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 सिनेमन स्टिक यानी दारचीनी, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी, 7-8 लौंग और 6 से 7 आपने छोटी इलायची लेनी है। और अगर आपके पास संदल स्टिक है तो आप 2 से 3 बिल्कुल छोटे, ये देखें बिल्कुल छोटे पीस आपने 2 संदल स्टिक के लेने हैं। इन सबको अब हम ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मोटा मोटा नहीं आपने रखना, इसको ऑलमोस्ट पाउडर फॉर्म बनाना है। तो ये देखें सब कुछ तैयार है ब्लेंड करने के लिए और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। सारी चीज़ को हमने उसके अंदर डाल दिया, ये सारे खड़े मसाले जो बताए हैं इसमें डाल के, तो हम इनको ब्लेंड करने लगे हैं। आपने बहुत अच्छे तरह ब्लेंड करना है। ये देखें अब हमने वो सारा बिरयानी मसाला पीस लिया है। ये देखें बहुत ज़्यादा ये खड़ा खड़ा भी नहीं है और बहुत इसका बारीक पाउडर भी नहीं है, तो आप इस तरह का इसको दरमियाना सा बल्कि थोड़ा बारीक की तरफ आप इसको पीस लें। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे बाकी चीज़ें, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि जब हम चावल बॉयल करेंगे उसमें भी नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे, अब हम इसके अंदर 3 से 4 सूखा आलू बुखारा जो होता है वो लेंगे और छोटी इलायची 4 से 5 हम वो भी साबुत ऐसे डाल देंगे, साथ ही क्योरा एसेंस के हम 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे इसमें और फिर हम इस सारे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 कतरे आपने डाले क्योरा एसेंस के और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सारा मसाला हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसका अगला स्टेप करते हैं। ये मैंने बोल चेंज किया क्योंकि मेरा बोल छोटा था। अब हमने इस सारे मसाले को अच्छे तरह मिक्स करके साथ ही 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून लेमन जूस, इन सारे को आपने अच्छे तरह मिक्स करके और साथ ही हम 1 कप इसमें फेंटा हुआ दही यूज़ करेंगे। ये दही हमने इसमें डाल के ये सारे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये आपको बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा टेस्टी मसाला आपका तैयार हो गया है बिरयानी के लिए, चिकन पे लगेगा और फिर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। हमने 1/2 kg चिकन लिया है और उसके लिए ये मसाला अब हम सारा मिक्स करके उस चिकन के ऊपर लगा के मैरिनेट करेंगे। और मैंने 1/2 kg चिकन के साथ 1/2 kg ही चावल लिए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने सारा मसाला स्क्रेप ऑफ करके और हम अपने ये चिकन के लिए लगा लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि ये आपको बिरयानी मसाला जो घर वाला है विदाउट कोई भी बाज़ार के स्पाइसेस यूज़ करिए। और ये सारी चीज़ें घर में बहुत इजीली पड़ी होती हैं सब किचन्स में, आप लेके और बहुत जल्दी और ईजी और बहुत जायकेदार बिरयानी बना सकते हैं। हम ये मसाला चिकन पे लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कवर करके मैरिनेशन के लिए 1 to 2 आवर्स के लिए रख देंगे। और जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो हम अपना अगला स्टेप करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप, एक पैन में 1/2 कप ऑयल डाल के, साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उनको चॉप कर लिया था, अब मैं वो प्याज डालूँगी
और फिर हमने ये प्याज डाल के इसको हम हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आपने हाफ कप ऑयल इसलिए लेना है कि चावल बॉयल होंगे तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब आपने इसको भूनना है प्याज़ों को। साथ ही आपने दो छोटी इलायची और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लेके इसको हल्का हल्का कूट लेना है। और जब ये हम कूट लेंगे तो इसको फिर हम जो पानी रखा है हमने चावल बॉयल करने के लिए उसमें डालेंगे। एक पैन में 14 ग्लास पानी डाल के साथ ही मैंने ज़ीरा और इलायची डाली और 1.5 टीस्पून नमक डाल के इसको बॉयल के लिए रख दिया। प्याज अब हमारे तकरीबन तैयार हैं। साथ ही मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देना है अच्छे तरीके से, और जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना इसका ज़्यादा टेस्ट अंदर तक चला जाएगा। अब ये देखें कि ये बहुत अच्छा टेस्ट बना है इसका। और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेके उनको मैंने चॉप कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके जो मैंने 2 से 3 टमाटर काट के रखे थे मैं वो भी अब इसमें डाल दूँगी। अब इसको हम हल्का सा मिक्स करके गलने के लिए कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है, उसमें मैंने 2 कप चावल लिए थे उनको मैंने बॉयल करने के लिए उस जो पानी बॉयल हो रहा था उसमें डाल दिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे एक कनी रह जाने तक, और फिर हम इसको उतार लेंगे। अब ये देखिए जब इसको आप हल्का सा बिल्कुल लाइट हैंडेड मिक्स करके इसको आप बॉयल होने के लिए इन चावलों को छोड़ दें। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट देखें तैयार हो रहा है, गल चुका है इसके, इसको अब हम मिक्स करेंगे। चावल अब बॉयल हो रहे हैं, उसके अंदर मैंने हाफ लेमन को लेमन जूस फ्रेश को स्क्वीज़ कर दिया, इससे चावल जुड़ते नहीं, बहुत अच्छी टेस्ट और खुशबू आती है। अब चावल 15 मिनट बॉयल के बाद मैंने चेक किया, ये एक कनी रह गई है, मैं छान के रख लूँगी। चिकन हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने 2 आलू लेके उनको ऑलरेडी बॉयल करना है आपने, पहले आपने वो डाले, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें काट के वो डालें, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आपने लाइट हैंडेड सा मिक्स करना है। आलू आपने पहले नहीं डालने वरना वो टूट जाते हैं, इस तरह खड़े खड़े आलू रहेंगे और वो बिल्कुल मसाला भी बहुत अच्छा और खड़ा खड़ा और बहुत मज़े का मसाला बना है। अब हमने एक पैन लेके उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला, साथ ही इसके अंदर मैंने एक दफ़ा फिर 2 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, या आप 2 से 3 चुटकी ज़ीरा लेके इसको आप हल्का सा भूनें। भूनते हुए आप साथ ही इसको पूरे पैन का जो जो इसकी सरफेस है उसके ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब हम इनको चावल दम लगाएंगे। ये देखें चिकन बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये हमारा पैन तैयार है, इसके अंदर हम चावलों थोड़े से चावल डाल के इसके को लेयर करेंगे बिरयानी को। आपने थोड़े से चावल डाले, हाफ चावल, और इसको हल्का सा स्प्रेड आउट कर दें इवनली। और साथ हम इसके ऊपर जो हमने बहुत यमी किस्म का घर के मसाले से तैयार किया हुआ चिकन तैयार किया है हम वो इसके ऊपर इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। ये देखें इसकी खुशबू और इसका मसाला बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और इसका मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, बहुत अच्छा और टेस्टी डिफरेंट टेस्ट का है आपके, क्योंकि ये चिकन का हमने जो सालन बनाया है इसमें भी ऑयल था तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा अवॉइड करके साइड से आप चिकन और मसाला निकाल लें, वो ऑयल आप निकाल लें किसी भी बर्तन में, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सालन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने इस तरह सारा चिकन चावलों को ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, जो हमारे बॉयल्ड राइस थे उनको इस तरह हमने पूरा कवर कर दिया है चिकन से। अब इसके ऊपर हम बाकी के चावल डाल के उनको हल्का सा फैला देंगे। साथ ही आपने 2 से 3 टेबलस्पून दूध लेके उसमें 1/2 टीस्पून जर्दे का कलर डाल के उसको मिक्स करना है, उससे कलर बहुत अच्छा और फ्रेश लुकिंग आता है। और साथ ही आप थोड़े ड्रॉप ड्रॉप करके इस तरह आप इसको दम लगाने से पहले वो कलर डाल देंगे। और साथ ही लीमू के मैंने फ्रेश लेमन के कटे हुए स्लाइसेस इस तरह वो रख दिए। अब ये बिरयानी मैंने 10 से 15 मिनट इसको दम लगाया है, ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी है। मेरे चैनल अमीन्स किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।